रिया ये तो क्या खा रही है? अचार। अचार, वाह ये तो मेरा फेवरेट है। अरे वाह बच्चों, तुम लोग क्या खा रहे हो? मैम अचार। अचार, वाह ये तो मेरा भी फेवरेट है। क्या तुम्हारे मुंह में पानी आया? यस मैम। और तुम्हारे? यस मैम। मेरे मुंह में भी बहुत पानी आया। पता है बच्चों, ये जो मुंह में पानी आता है इसे हम लार कहते हैं। मैम लार कहाँ से आती है? बच्चों ये लार हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती है वहां से आती है। और पता है जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो ये हमारे खाने को गीला करती है, उसे लसलसा बनाती है ताकि हम खाने को आसानी से निगल सके। और साथ ही साथ ये लार हमारे भोजन को पचाने में हेल्प भी करती है। मैम वो कैसे? क्या हम इसे करके देख सकते हैं? बिल्कुल करके देख सकते हैं। चलिए करते हैं। चलिए बच्चों हम करके देखते हैं कि हमारे मुंह में जो लार आती है इसकी क्रिया हमारे भोजन के साथ कैसे होती है। ठीक है, इसके लिए मैंने आटे का घोल यहाँ पर बना के रखा है। इसे कैसे बनाना है? 1 चम्मच आटा और 1/2 बीकर पानी, इस प्रकार से इसको तैयार करना है। अच्छा बच्चों बताओ कि इस आटे में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? स्टार्च। वेरी गुड। स्टार्च और किस किस में पाया जाता है? मैम चावल के पसे में और किस में होता है रिया? आलू में भी पाया जाता है। वेरी गुड। तो इन सब में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, अब हम क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इस आटे के घोल को हम 2 टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ठीक है, एक तुम पकड़ो प्राची और एक तुम। हम लगभग 20 से 25 बूंदे आटे की घोल की दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ये लगभग इतना हम इसमें डालेंगे। अब प्राची तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसमें अपनी लार मिलानी है और तुम इसमें अपनी लार नहीं मिलाओगे। ठीक है, चलो लार मिलाओ। वेरी गुड। लगभग जितना आटे का घोल है उतनी लार इसमें हमने मिला दी है। ठीक है, अब बच्चों अब आप देख सकते हैं कि इसमें प्राची ने लार मिलाई और इसमें लार नहीं मिली है। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को हम लगभग 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हम देखेंगे कि इस लार की क्रिया इस आटे के साथ किस प्रकार से हुई। तो इसे हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं। चलिए बच्चों 2 घंटे का समय हो चुका है, अब हम इसमें स्टार्च का परीक्षण करेंगे। इसके लिए हमें आयोडीन विलयन चाहिए। अब इन दोनों परखनलियों में हम आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे और देखेंगे कि इनके रंग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। जब भी हम किसी भोज्य पदार्थ में आयोडीन का घोल डालते हैं और अगर उसका रंग नीला काला हो जाए इसका मतलब उसमें स्टार्च उपस्थित है, और अगर उसका रंग नीला काला नहीं होता है इसका मतलब उसमें स्टार्च उपस्थित नहीं है। चलिए करके देखते हैं। ये प्राची तुम्हारी परख नली है जिसमें तुमने लार मिलाई थी, इसमें हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। इसे पकड़ो। अब इस परख नली में भी हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं और देखते हैं कि इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं। अब हम दोनों परख नलियों को सामने रखेंगे। अब देखो एक का रंग नीला काला दिख रहा है और एक परख नली का रंग नीला काला नहीं दिख रहा है। जिसका रंग नीला काला दिख रहा है ये क्या दर्शा रहा है? कि इसमें स्टार्च अभी भी उपस्थित है। और इसका रंग नीला काला नहीं दिख रहा है मतलब इसमें उपस्थित स्टार्च नहीं है। नहीं है, इसमें स्टार्च उपस्थित नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हमने लार मिलाई थी और लार में उपस्थित एंजाइम्स की क्रिया स्टार्च के साथ हुई और उसने स्टार्च जैसे जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल दिया। तो देखा बच्चों किस प्रकार से हमारी लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। यस मैम।